तो वही लोकेशन की बात। ब्रह्मा विष्णु महेश 6 महीने तक बालक बन के माँ के यहाँ पे रहे और माँ ने उनको अपने आराम से अपने दूध दूध पिला के उनको पालन पोषण किया 6 महीने तक। तो फिर जब तीनों देवियाँ भी माँ के पास माफ़ी मांगने आई, क्षमा मांगने आई, तो फिर माँ ने वही जल छिड़क के, गंगा जल छिड़क के, और वो तीनों देवों को उनके स्वरूप में वापस लौटा दिया था। और जहाँ काफ़ी खूबसूरत गुफा है भाई, जहाँ का लाइफ में काफ़ी रिस्क है, खास करके बरसात के टाइम पे। तो वही वीडियो स्टार्ट करने से मैं आपको एक बात बता दूँ, कभी भी ऐसी ऐसी जगह पे इस टाइम पे जो ना जाएं भाई। मैं आपको यही कह सकता हूँ, क्योंकि भाई हम तो लाइफ का रिस्क लिया है हमने, मैंने चाहता हूँ कि आप भी लो, ठीक है। तो भाई मैं आपको बता दूँ, अगर इस जगह पे जाना है तो श्रद्धा भक्ति होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई इस जगह पे श्रद्धा भक्ति बहुत जरूरी काम आती है भाई। तो कभी भी ऐसे मत जाना, अगर आपके दिल में श्रद्धा है तो इस जगह पर जरूर जाना भाई, क्योंकि काफ़ी अच्छा टेम्पल है और काफ़ी अच्छी जगह है। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हेलो गाइस, मैं हिमांशु अथण, वेलकम टू यूके ब्लॉगर। तो सब कैसे हो? बढ़िया। तो भाई चलो फिर, ज़्यादा वीडियो लंबी क्या खींचनी है, चलते हैं अपने ट्रैक पर और आपको बताते हैं वहाँ की जानकारी। मैं आपको वीडियो में हर चीज़ बताऊँगा, वहाँ की स्टोरी बताऊँगा, वहाँ की स्टोरी है क्या, उस मंदिर की स्टोरी क्या है, उस जगह की स्टोरी क्या है, तो सब चीज़ बताऊँगा आपको। तो चलो फिर चलते हैं। तो भाई रोड यहीं पर तक ख़त्म होती है और यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी लगा दी और यहाँ से ट्रैक है लगभग 4 किलोमीटर का भाई, ठीक है। तो आगे रोड बन रही है, यहीं पर तक रोड जाएगी खाली। और गांव का नाम है भाई मंडल, मंडल गांव साइड है ये, पूरा मंडल गांव है ये जितना भी है। तो भाई यहाँ हल्की हल्की बारिश हो रही है, इसलिए हमने रेनकोट पहना हुआ है, क्योंकि जब घर से निकले थे तो उस टाइम पे बारिश थी नहीं, तो यहाँ की बारिश हो रही है। तो भाई मैं आपको बता दूँ कि लगभग रोड से लगभग 4 किलोमीटर के दूरी पर मंदिर है, ठीक है भाई। और ये लोकेशन काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो भाई रास्ते की बात करें तो रास्ता काफ़ी अच्छा बना रखा है, ठीक है। अब ये सरकार की तरफ से रास्ता बना है या गाँव की तरफ से वो बात अलग है, ठीक है, मगर काफ़ी अच्छा रास्ता बना रखा है। तो भाई देख रहे हो कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं और झरना भी गिर रहा है यहाँ से, ठीक है भाई, देख रहे हो। तो काफ़ी अच्छी लोकेशन है ये भी। तो भाई हम बोतल को भरेंगे अब, क्योंकि ट्रैक में तो पानी चाहिए चाहिए भाई, अगर तुम ट्रैक कर रहे हो तो। लगभग अभी तक हम 1 किलोमीटर पर आ गए हैं भाई और सीधा चलना है हमने अब। और जंगल देख सकते हो भाई, पूरे जंगल का रास्ता है पूरा का पूरा। तो भाई आपको मैं लोकेशन बता दूं अनसुईया टेम्पल की। तो भाई यहाँ पर ये गोपेश्वर मंडल में पड़ता है ये टेम्पल, ठीक है। अगर आप कनप्रयाग से होके आ रहे हो, मतलब अगर आप कनप्रयाग से होके आ रहे हो, तो सबसे पहले पड़ेगा आपको रुद्रनाथ, उसके बाद ये टेम्पल पड़ेगा, ठीक है। अगर आप चोपता से होके आ रहे हो तो सबसे पहले यही टेम्पल पड़ेगा, उसके बाद पड़ेगा आपको रुद्रनाथ टेम्पल पड़ेगा, ठीक है। तो भाई यहाँ की लोकेशन यही है और लगभग रोड से लेकर लगभग ऊपर टेम्पल का रास्ता 4 किलोमीटर का है भाई, ठीक है। तो ट्रैक भी काफ़ी अच्छा है,
और काफ़ी बेहतर ट्रैक है, तो दिखाते हैं आपको आगे। तो भाई देख सकते हो आप, लगभग हम दो किलोमीटर चढ़ चुके हैं और ये 2 किलोमीटर और चढ़ना बाकी है। तो रास्ता भी काफ़ी अच्छा है और रोड भी काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा चढ़ाई नहीं है भाई, सही है। और बिल्कुल जंगल के बीच में भाई, तो भाई मौसम देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, देख रहे हो आप बादल लगे हुए, और वैसे भी बरसात का मौसम चल रहा है तो भाई दिक्कत तो होगी। तो लगभग हम 3 किलोमीटर चढ़ चुके हैं भाई, ठीक है, अभी हमारा लास्ट पड़ा हुआ है, लगभग 1 किलोमीटर और है अभी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, मैंने कहा था आपको रास्ते में पानी, और आपको हर रास्ते में वॉशरूम मिल जाएगा, ठीक है भाई, आप रास्ते से आते हो कभी वॉशरूम लग गए तो बने हुए यहाँ पर, नीचे भी बने हुए हैं, लगभग हर जगह हर पड़ाव बने हुए हैं एक एक, और बैठने के लिए ये बनाओ भाई, ठीक है। तो लगभग यहाँ से मंदिर हमारे 1 किलोमीटर दूर है, और भाई क्या है ना, लोकेशन अच्छी है ना, ये भी बहुत अच्छी लोकेशन है भाई। तो भाई देख रहे हो हमने पहन लिया दोबारा रेनकोट, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी, और मौसम भी देख रहे हो काफ़ी ख़राब हो गया भाई। तो देख रहे हो भाई, बारिश भयंकर लग गई है, बहुत भयंकर बारिश, और ऐसे में कैमरा ख़राब होने की काफ़ी ज़्यादा डर है। तो भाई बारिश देख रहे हो कितनी भयंकर लग गई भाई, तो हम एक पत्थर के नीचे रुके हुए। तो भाई हम बारिश में ही रास्ते लग गए, और क्योंकि यार क्या होता है कि बरसात हो रही है ना काफ़ी भयंकर, तो रोड भी टूट सकती है, क्योंकि उत्तराखंड में रोड टूटती रहती है भाई, ठीक है, इसलिए हम बरसात में ही, मतलब बारिश हो रही है फिर भी चल रहे हैं, क्योंकि अगर रोड टूट गई तो हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी भाई घर जाने में, इसलिए यार कोई बात नहीं, बारिश हो रही तो हो रही है, हम चल रहे हैं फिर भी। तो हमने ट्रक पकड़ लिया है दूसरा अपना, रास्ते में गणेश जी का मंदिर है, ठीक है, और आप कुछ भी भेंट बूढ़ा कुछ भी लेके आए अपने साथ, तो यहाँ पर चढ़ाना ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर यही लिखा है भाई कि अगर कुछ भेंट लेके आए तो यहाँ पर चढ़ा देना, बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है भाई। तो एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, ये रास्ता समझ नहीं आ रहा कि हमें जाना कहाँ है, बहुत कन्फ्यूजन हो रही है, क्योंकि हम भी यहाँ पहली बार ही आए हैं भाई इस जगह पर। तो कोई बात नहीं, हम इस रास्ते पर चलते हैं, अगर ये गलत रास्ता होगा तो फिर इस रास्ते पर आएंगे। तो भाई आखिरकार हम पहुंच गए हैं, काफ़ी ज़्यादा बारिश भी हो रही है मगर फिर भी हम चले हैं, ठीक है, बारिश के टाइम भी। और यहाँ पर देख रहे होंगे ये कुछ पुराने मकान हैं, और शायद से यहाँ पर रहने के लिए घर घुर। तो भाई लोकेशन देख रहे हो कितनी अच्छी लोकेशन है, और यहाँ पर देख रहे होंगे आप टेंट भी लगा रखे हैं, जो यहाँ पर ट्रैवल करने के लिए आए होंगे या इस जगह पर रहने के लिए आए होंगे उन्हें टेंट लगा रखा है, और टेंपल वो रहा भाई, दिख रहा होगा आपको। तो भाई मंदिर का रास्ता ये है, ठीक है, और मंदिर पे भी लॉक लगाओ भाई, चल। तो अनसुया माता का मंदिर ही है भाई, चलो कितना बेहतरीन है।
तो आप ये जितने भी देख रहे हो ना, आप ये सब मतलब रूम टाइप के, होटल टाइप के हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर रह सकते हो चाहे तो। और ये गेट है मंदिर का। तो आप देख सकते हो भाई, मंदिर के ठीक पीछे पे भगवान शिव और माता विराजमान है इस जगह पे। तो मंदिर के ठीक पीछे पे है, ठीक है, और पीछे है कृष्ण भगवान। देख रहे होंगे ये, इस गांव का नाम पूरा अनसुई है, अनसुया गांव का नाम है भाई, और इसमें मंदिर भी बसा है। तो भाई हम कर रहे हैं, हमने पूजा कर ली, तो हम कर रहे हैं परिक्रमा, है ना। और उसके बाद लगभग आपको भी करवाते हैं, हम भी कर रहे हैं, आपको भी करवाते हैं। चलो फिर करते हैं। तो भाई यहाँ के पंडित जी हैं जो इस मंदिर के पुजारी हैं, तो इस मंदिर के बारे में मुझे भी कुछ पता नहीं है, इसलिए मैं इनसे पूछने आया हूँ, और इसलिए इनको नीचे से बुलाया मैंने। तो पंडित जी इसके बारे में कुछ जानकारी बताओ कि मंदिर, ये मंदिर कैसा है। यहाँ पे माता अनुसुईया ने तपस्थली है, माता अनुसुईया की, माता अनुसुईया त्रिषि जी की पत्नी है, सप्तऋषियों में त्रिषि जी आते हैं, उनकी पत्नी माता अनुसुईया है। माता अनुसुईया ने यहाँ पे सतयुग में साधना करी थी, तो माता पतिव्रता नारी थी और पतिव्रत धर्म पे ही इन्होंने साधना करी थी, और इनके पति यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे त्रिषि जी की गुफा है, वहाँ पर उन्होंने साधना करी थी। तो माता की परीक्षा लिए इन्हें बोले तीनों लोकों में पतिव्रता नारी माता अनुसुईया ही एक ऐसी नारी थी जो पतिव्रता नारी थी, पूरे विख्यात थी विश्व में तीनों लोकों में। तो ब्रह्मा विष्णु महेश माँ की परीक्षा लेने यहाँ पे आए थे लक्ष्मी सरस्वती पार्वती के कहने पे कि हमसे बड़ी पतिव्रता नारी बोले पृथ्वी लोक पे हो ही नहीं सकती है, तो आप परीक्षा लेने जाओ। तो तीनों देव जब साधु बन के आए तो यहाँ पे माता की परीक्षा ली, और इनको माता को निर्वस्त्र होकर भोजन कराने की वो बोला उन्होंने। तो माता ने अपने अत्रिषि का स्मरण लिया और गंगा जल हाथ में लेके तीनों देवों में छिड़क लिया था, और तीनों देव छोटे छोटे बालक बन गए थे ब्रह्मा विष्णु महेश। जब तीनों देव बालक बन गए तो छोटे छोटे बालकों को माँ ने अपने पास रखा 6 महीने, कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश 6 महीने तक बालक बन के माँ के यहाँ पे रहे, और माँ ने उनको अपने आराम से अपने दूध दूध पिला के उनको पालन पोषण किया 6 महीने तक। तो फिर जब तीनों देवियाँ भी माँ के पास क्षमा मांगने आई तो फिर माँ ने वही जल छिड़क के, गंगा जल छिड़क के, और वो तीनों देवों को उनके स्वरूप में वापस लौटा दिया था। तो तब ब्रह्मा विष्णु महेश ने माँ को वरदान दिया कि माँ तू मांग, हम कुछ जो तू इतनी साधना कर रही है इसका कुछ मांग ले हमसे। तो माँ ने बोला कि मुझे क्या चाहिए, बोले तीनों देवियाँ मेरे दर पे आ गई, अब इससे बढ़कर तो मुझे कुछ नहीं, लेकिन इतना है कि मेरे कोई संतान नहीं है, और मैं यहाँ पे साथ, अब जब आप मेरे बच्चे बन गए तो मेरी ममता जागृत हो गई, तो क्यों ना आप मेरे गर्भ से जन्म लो। तो फिर तीनों देवों ने माँ को वरदान दिया कि हम जरूर तेरे गर्भ से जन्म लेंगे। और ब्रह्मा विष्णु महेश ने तीनों ने देवों ने माँ को वरदान दिया कि हम तेरे गर्भ से जन्म लेंगे। फिर दत्तात्रेय, दुर्वासा ऋषि और चंद्रमा, तीन बेटे हुए माँ के, और तब से माँ पुत्र वरदायिनी भी के रूप से विख्यात है। जो निसंतान लोग होते हैं वो यहाँ पे आते हैं और रात को यहाँ पर माँ का जागरण करके उनको पुत्र प्राप्ति की वो होती है, और ये यहाँ की स्टोरी है। तो पर जी आप मुझे बता सकते हो कि आपने बोलता कि यहाँ कोई गुफा है, वो मतलब किस चीज़ की गुफा है? अत्रिषि माँ के पति जी वो बैठे हैं वहाँ पे, अत्रिषि उन्होंने वहाँ पे साधना करी, 1.5 किलोमीटर आ गया है। यहाँ से कितना किलोमीटर? 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर वहाँ पे झरना भी बहता है। तो भाई अब हम यहाँ से मंदिर से होके हमने यहाँ पर पंडित जी से मिल गए और जगह पे पूजा भी कर ली, ठीक है, क्योंकि वैसे तो आजकल पूजा ही बंद है सारी, तो दर्शन कर लिए हमने माँ के। अब हम यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे जा रहे हैं और वहाँ पर गुफा देखेंगे, गुफा कैसे, क्योंकि इस जगह मैं पहली बार आया हूँ, तो आपको भी दिखाएंगे और आप हम भी खुद देखेंगे। चलो फिर चलते हैं।